राजगढ़ जिले के ऊर्जा मंत्री के गृह नगर खिलचीपुर में कई दिनों से अतिक्रमण और नवीन बस स्टैंड को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। खिलचीपुर में अव्यवस्थित ट्रैफिक और जगह जगह अतिक्रमण करके बैठे लोगों के कारण नगर के विकास का पहिया थमा हुआ है। इसी को लेकर कलेक्टर निधि निवेदिता ने पूरे काफिले के साथ आज खिलचीपुर का दौरा किया, जिसमें नवीन बस स्टैंड के लिए 3-4 स्थानों पर देखा कि जिसमें सब्जी बाजार को पुराने नगर पंचायत भवन में शिफ्ट करने और बस स्टैंड को मार्केटिंग सोसाइटी में शिफ्ट करने का विचार किया गया। जिस समय कलेक्टर का दौरा हुआ उस समय नगर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। जगह जगह खुली पड़ी नालियाँ नगर में पसरी हुई गंदगी को बयान कर रही थी। कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा की। खिलचीपुर में वाकई ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप ले रही है, जिसे व्यवस्थित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सब्जी बाजार भी अव्यवस्थाओं का कारण बना हुआ है। हमने कुछ स्थानों का निरीक्षण किया है, उन पर विचार विमर्श करेंगे और बहुत जल्दी नवीन बस स्टैंड का निर्माण कराकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ खिलचीपुर नगरीय क्षेत्र जो है यहाँ पर आम रूप से देखा गया है कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रहता है। बसें जो आती हैं उन लोगों के मूवमेंट के लिए प्रॉपर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथवे नहीं है और जो यात्रीगण हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब है और पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को इस तरीके से अव्यवस्थित जो है ये इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है, प्रशासन दूसरी जगह एक ज़मीन जो है तलाश रहा है जहाँ पर कि हमने नवीन बस स्टैंड जो है वो बना सके और जो सब्जी मंडी भी बहुत अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर छुपी पड़ी है उसको भी एक व्यवस्थित हॉकर जोन के रूप में डेवलप किया जा सके ताकि खिलचीपुर शहर के जो नगरवासी हैं उनको व्यवस्थित रूप से ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। मैंने इस चीज़ के लिए नवीन बस स्टैंड के लिए कितने भवन डिस्पेंटल होंगे, कैसी कोई योजना है? अभी हम लोग ये प्रिलिमिनरी एक सर्वे करने आए हैं कि कहाँ पर क्या उचित रहेगा। एक दो स्पॉट हमने देखे हैं, एक और स्पॉट अभी हम देखने जा रहे हैं। ये सभी देखने के बाद में यहाँ पर कहाँ कहाँ पर किस किस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे बसेज एक कारण हो सकती है, सब्जी मंडी एक कारण है, उसके अलावा अभी हमने देखा कि टैक्सी भी अव्यवस्थित रूप से टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं। तो ये सब प्लानिंग अभी हम लोग करेंगे, एक वीक पे हम लोग बैठ करके प्रिलिमिनरी आइडिया बनाएंगे कि कहाँ पर क्या बनना है। उसके आधार पे जो बीच में जो भी इंक्रोचमेंट होगा या अन्य जो भी इस तरीके से अनधिकृत रूप से लोगों ने अपना डेवलपमेंट कर लिया होगा उसको उसमें तोड़ा जाएगा। कब तक इस योजना मतलब ये योजना कब तक पूरी हो जाएगी? जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़े वजह प्रिलिमिनरी विजिट, अब बैठ करके जब हम इसको प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से हम टाइमलाइन बनाएंगे, इसका एक प्रपोजल बनाएंगे। पर ये बात सुनिश्चित आप रखें यहाँ पर एक बस स्टैंड की अत्यावश्यक रूप से आवश्यकता है और उसकी हम प्लान करके आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा जो हम डेवलपमेंट करेंगे, जो हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पर डेवलपमेंट होगा उसकी हम एक टाइमलाइन बनाएंगे कि कब तक के वो लैंड इंक्रोचमेंट फ्री करके फिर वहाँ पर कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे उसके हिसाब से उसमें इंक्रोचमेंट करेंगे। बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण है? बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण है, कई जगह पर यहाँ पर अतिक्रमण है।